राजधानी लखनऊ के थाना आलम बाग के पास रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर आलम बाग टेढ़ी पुलिया तिराहे से ही यातायात का डायवर्जन कर दिया गया है। लेकिन जिस जगह के लिए डायवर्जन किया गया है उसी जगह पर भीषण जाम लग रहा है और इस जाम का जिम्मेदार रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस है, क्योंकि आलम बाग टेढ़ी पुलिया डायवर्जन का कोई मकसद नहीं निकला, क्योंकि लोग आगे से आकर आलम बाग थाने के ठीक सामने से स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे से ई रिक्शा, ऑटो एवं चार पहिया वाहन गाड़ी धड़ल्ले से जा रहे हैं, जबकि यातायात की दृष्टिकोण से और प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने इस मार्ग को बंद कर दिया है। हालांकि शुरुआती दौर में मोटरसाइकिल को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वर्तमान 4-5 दिनों से आलम यह है कि सभी गाड़ियां दोनों तरफ से पूर्व की भांति चल रही हैं, जिससे भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जबकि डायवर्जन के हिसाब से यातायात को रेलवे हॉस्पिटल होते हुए केकेसी कॉलेज के निकट छत्ते वाले पुल के नीचे से जाने का प्रस्ताव बनाया गया है, लेकिन स्थानीय पुलिस की लापरवाही की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि टेढ़ी पुलिया से रूट डायवर्जन किया गया है, लेकिन आगे जाकर ये सभी लोग फिर से उसी सड़क पर आ जाते हैं जहां पर वास्तविक रूप से कार्य चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस भीषण जाम से लोगों को छुटकारा कैसे मिलता है और स्थानीय पुलिस अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।